कोई भी मूवी का अगर थर्ड पार्ट आता है तो डायरेक्टर और राइटर का काम बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों पिछले जो दो पार्ट रिलीज हुई है वो बहुत सुपर डुपर हिट रही, तभी ना जाके थर्ड पार्ट बन रहा है। तो ऐसे ही वेनम मूवी का थर्ड पार्ट आया जिसका नाम है वेनम द लास्ट डांस। और ये मूवी मुझे कैसा लगा इस बारे में आज आपके साथ इस वीडियो में बात करूंगा। जैसे मैंने कहा कि दोनों मूवी सुपर डुपर हिट होने के बाद इस मूवी के बारे में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ। ये एक चोर पुलिस का खेल जैसा ये मूवी है, लेकिन उसको स्क्रीन प्ले कुछ अच्छा नहीं और इसका स्टोरी लाइन भी बहुत ही थिन है और इसको प्रेजेंट भी कुछ अच्छी तरीके से किया नहीं गया है। इस मूवी का स्टोरी ये है कि वेनम और एरिक ब्लूम दो मेक्सिको के बार में पी रहे थे, तो अचानक एक न्यूज आता है टीवी पे, वहां पे दिखाया जाता है कि एक रिपोर्टर्स का मर्डर हुआ है और उसके लिए प्राइम सस्पेक्ट थे एरिक ब्रूक, और इस वजह से वो सैन फ्रांसिस्को में फिर से जा नहीं पाएगा। तो एरिक ब्रूक के दिमाग में ये चलता है कि वो एक न्यूयॉर्क के जज को जानता है और जज के कई सारे जो राज है उसको पता है, तो जज को ब्लैकमेल करके एक वर्डिक्ट ले सकता है, इस वजह से वो सैन फ्रांसिस्को में फिर से जा पाएगा। तो इसलिए वो न्यूयॉर्क में प्लेन पे चढ़ता है, लेकिन प्लेन पे तो चढ़ता नहीं, वो बाहर से ऐसे उसके साथ मतलब प्लेन के साथ लगा होकर वो जा रहा है वेनम और एरिक ब्रूक। और इस दौरान जो वेनम का शायद एक दूर का रिश्तेदार है जिसका नाम है नील या लाल, तो वो आजादी के चाबी के लिए वेनम के पास एक कोडेक्स है और वो इसको बात पता है, तो वेनम को पकड़ना चाहता है कि वो कोडेक्स लेने के लिए ताकि उन लोगों को आजादी का चाबी मिल जाए। तो अब ये लोग वेनम को पकड़ेंगे या नहीं, और अगर पाएंगे कि नहीं और पकड़ेंगे तो क्या होगा, ये इस मूवी में दिखाया गया है। तो ये ना एक चोर पुलिस का खेल जैसा है, तो वेनम को जो लोग पकड़ने के लिए जा है वो भी एक प्रकार का क्रिएचर्स टाइप का है। तो ये जो क्रिएचर्स दिखाया गया वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, उसका वीएफएक्स का काम मुझे उस जगह में काम अच्छा नहीं लगा। एक्शन की बात करें तो एक्शन मूवी में दो तीन जगह पे खासकर क्लाइमेक्स का एक्शन बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसके साथ इमोशन को सही तरीके से मार्च किया गया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और क्लाइमेक्स का एक्शन भी काफी अच्छा है। और एक एक्शन भी है शुरुआत में, एक दो जगह पे एक्शन है, एक बार टाइप का एरिया में एक्शन दिखाया गया है जहां पे कई सारे कुत्तों को बांध कर रखा गया था, मतलब जेल के अंदर, तो वहां पे एक एक्शन दिखाया गया वो कुछ खास नहीं है, लेकिन वहां पे एक सीन बहुत अच्छा है जहां पे वेनम तीन लोगों का मुंडे ऐसे चिबा के खा जाता है, वो सीन काफी मुझे अच्छा लगा। और एक नदी के अंदर का एक्शन है वो कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी एक्शन को काफी अच्छी तरीके से दिखाया था, वीएफएक्स का काम तो अच्छे ही रहते हैं इंग्लिश मूवी में, तो इसमें भी काफी अच्छी है नो डाउट। लेकिन क्या है ना कि इस मूवी का स्टोरी जो लाइन है वो बहुत ही थिन है और इसको प्रेजेंट कुछ खास तरीके से किया नहीं गया है। इसमें सिर्फ तीन एक्शन है टोटल, और तीन एक्शन के अलावा बाकी जो सीन है उसमें थोड़ा कॉमेडी डाला है, लेकिन कई जगह पे आप लोगों को ना बोर लगने लगेगा कि अरे ये क्या चल रहा है, कब खत्म होगा ऐसा लगेगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो कुछ खास है ही नहीं, सेकंड हाफ में डायरेक्टर को पता चलता है कि ऑडियंस शायद बोर हो रहा है इसलिए उसने सेकंड हाफ में ज्यादा एक्शन डाला है, और जैसे ही एक्शन आता है तो अच्छा लगने लगता है, लेकिन बाकी जैसे ही एक्शन चला जाता है उस पर ये मूवी बिल्कुल बेकार हो जाता है। और इसीलिए मैं इस वेनम द लास्ट डांस मूवी को 5 में से 2.5 स्टार देना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखा है तो आप लोग मुझे कमेंट बताइए आप लोगों को ये मूवी कैसा लगा। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।